अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें मोल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्वेश्चन है इन थ्री मोल्स ऑफ मीथेन, थ्री मोल्स हैं यहाँ पर मीथेन के, उसका फॉर्मूला हमें गिवन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, और हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। किसके फॉर्मूले में? मीथेन के फॉर्मूले में हमें मोल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमें बताना है। फर्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। इस ये वाला जो फॉर्मूला है मीथेन का, इसके थ्री मोल्स। अब हम समझते हैं, अगर हमारे पास है C2H6 तो इसका मतलब क्या है कि ये एक मोल है। इस क्वेश्चन में है कि ये थ्री मोल्स के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, तो मतलब क्या ये इस तरीके से है? मतलब यहाँ पर मीथेन के तीन मोल्स हैं इस तरीके से। फर्स्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ये तो समझ आया कि हमारे पास थ्री सी टू एच सिक्स है, क्योंकि थ्री मोल्स हैं मीथेन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम अब हमें बताना है। अगर हमारे पास कार्बन है, एटम है, पर्टिकुलरली कार्बन एटम है, तो ये वन मोल है। अगर इस तरीके से लिखा तो ये टू मोल है, तीन मोल है। तो मतलब जितने कार्बन के एटम होंगे उतने ही मोल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन के जितने भी एटम होंगे वो उसके मोल हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में जिसमें मीथेन के तीन मोल हैं, कितने कार्बन एटम हैं? 3 × 6 कार्बन। क्योंकि अगर एक मीथेन का जो मॉलिक्यूल है उसके पास दो है, तो तीन के पास 6 हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन एटम 6 है टोटल। तो अब इसमें पूछा था नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सी है तो मतलब एक मोल है, उसके आगे नंबर लगते जा रहे हैं तो वो उतने ही मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और मोल्स किसके? कार्बन एटम के। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मोल पूछा था ना, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम के। सेकंड पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर H है तो एक मोल है हाइड्रोजन एटम का। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कि कितने यहाँ पर H एटम हो जाएंगे। जितने H एटम हो जाएंगे उतने ही मोल्स हो जाएंगे H एटम के लिए। तो यहाँ पर 6 × 3 = 18, तो यहाँ पर 18 H एटम हो जाएंगे, इसलिए जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो भी 18 आएंगे। मोल ऑफ H एटम। अब जो थर्ड पार्ट है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, मोल्स तो नहीं पूछा है। अब मॉलिक्यूल और जो मोल्स है वो कुछ कुछ सेम ही है, तो यहाँ पर हम मोल्स चला सकते हैं? नहीं चला सकते। यहाँ पर मोल्स का मतलब है उसके एक मोल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं या फिर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के। देखो ये जो थर्ड पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। वन मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस में 6.022 × 10³ एटम्स पार्टिकल्स या फिर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि मीथेन है जो इस केस में, उसमें कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? यहाँ पर मीथेन के कितने मोल्स हैं? मोल्स कितने हैं? 3। अगर वन मोल में इतना है तो थ्री मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली हम 3 से कर देंगे, इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर 18.069 × 10³। तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस केस में जहाँ पर मीथेन के तीन मोल्स गिवन है।